वेलकम बैक सो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अगमन दोस्तों की एंडियो वॉच में चैनल डिस्कशन ऑफ एनीथिंग। आप सभी लोगों को हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? हाँ, हम लोग बात करेंगे वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। अब बहुत सारे लोग कहोगे भाई अटैक ऑन टाइटन सीरीज तो एंड हो चुकी है काफ़ी समय पहले, बट भाई मैंने सोचा कि स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट टाइटन मतलब वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन की मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं तुम्हें सारे टाइटन्स के बारे में बताऊंगा जितने भी अटैक ऑन टाइटन में हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टोटल 9 टाइटन शिफ्टर हैं, मेन 9 टाइटन शिफ्टर्स हैं, तो उन्हें हम रैंक करते चलेंगे वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। 9th पे आता है अपना कार्ड टाइटन। कार्ड टाइटन बेसिकली एक टाइटन है जिसके चार पैर है, मतलब डॉगी की तरह वो चलता है ना। साथ ही साथ कार्ड टाइटन जो है ना वॉर्स में वेपन्स वगैरह रखने के काम आता है, ठीक है। बट अब क्या था, सीजन 4 में कार्ड टाइटन कुछ वेपन्स दिए गए हैं जैसे गन्स, मशीन गन दिए गई है और अपना है ना कुछ मिसाइल दी गई हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए भी उसके अंदर एक बंदा होना ज़रूरी है। ये शायद हाँ बंदा होना ज़रूरी है उसके अंदर, ठीक है। बाकी कार्ड टाइटन की मेन एबिलिटी उसकी स्पीड है, उसका साइज छोटा है, इस चक्कर में वो काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है। साथ ही साथ अब उसके पास एक नई एबिलिटी, साथ ही साथ कार्ड टाइटन के अंदर एक एबिलिटी ऐसी है कि भाई उसके अंदर कार्ड टाइटन के अंदर का जो इनहेरिटर यानी जो उसका ओनर है, ठीक है, वो उसके अंदर काफ़ी समय तक रह सकता है। एक लड़की उसकी ओनर थी, मुझे नाम याद नहीं है, बट वो उसके अंदर काफ़ी समय तक रही थी, ठीक है। उससे क्या होता है, कार्ड टाइटन का असर जो है उसके ओनर के ऊपर पड़ने लगता है और वो जैसे जो वो लड़की जो जो कार्ड टाइटन की ओनर थी उसके ऊपर भी कार्ड टाइटन का असर होने लग गया था, ठीक है। बेसिकली ये टाइटन वॉर्स में काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं 8th पे जो की है जॉ टाइटन। जॉ टाइटन के नाम में ही जॉ है, यानी कि जॉ टाइटन के पास एबिलिटी है उसके जॉस की। यहाँ जी हाँ, उसके जॉ बहुत तगड़े हैं और वो किसी को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको वॉरहैमर टाइटन का वो जो क्रिस्टल था वो तो याद होगा ही, जिसके अंदर उसकी ओनर थी वॉरहैमर टाइटन की, उसे उसने अपने जॉ से ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था मजे में। अपनी जॉ से वो कैनन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये टाइटन का साइज भी कार्ड टाइटन के बराबर ही है, बट ये टाइटन मंकी की तरह उछल कूद कर सकता है। इसकी एजिलिटी और इसकी स्पीड का तो क्या ही कहना, इसे सबसे फास्टेस्ट टाइटन भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी तेज तेज कूद सकता है पेड़ों से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। इसकी मेन एबिलिटी जॉ है, बट ये काफ़ी तेज भी है। तो नेक्स्ट आते हैं 7th पे मैं रखना चाहूँगा फीमेल टाइटन को। फीमेल टाइटन बेसिकली एक जैसे कि अभी हम फीमेल टाइटन के नाम से पता चल रहा है कि एक फीमेल है। जी हाँ, फीमेल टाइटन के पास वैसे तो एबिलिटी काफ़ी सारी हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आती है उसकी स्पीड। फीमेल टाइटन पहले तो ओनर उसकी बता दें, ओनर उसकी एनी नाम की कोई लड़की है, वो उसकी ओनर है। तो बता दूँ उसकी एबिलिटी, उसको इस पे स्पीड है, ये काफ़ी तेज भाग सकती है। साथ ही साथ इस पास जो है हार्डनिंग की भी एबिलिटी है, ये अपने हार्डनिंग एबिलिटी से किसी को भी आसानी से हरा सकती है। साथ ही साथ ये अपनी हार्डनिंग एबिलिटी का यूज़ करके क्लाइम भी कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं, इसके पास टाइटन अट्रैक्शन की पावर है। अगर ये चिल्लाती है तो जो भी उसके आसपास टाइटन होते हैं वो उसके पास आने लग जाते हैं। हालांकि ये नहीं पता कि वो अभी टाइटन कंट्रोल कर सकती है कि नहीं, शायद नहीं कर सकती है। हमें बस टाइटन अट्रैक्शन ही दिखाया गया है कि वो टाइटन को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो देखा जाए, और इसके पास एक और एबिलिटी है, जब फीमेल टाइटन के ओनर के ऊपर कोई खतरा आता है, जैसे एनी को जब अपना एरन खाने वाला था तभी क्या हुआ, उसके आसपास अपनी हार्डनिंग की हेल्प से उसने क्रिस्टल फॉर्म कर लिया जिससे एनी सेव हो गई और एरन उसे नहीं खा पाया, ठीक है। फिर वो क्रिस्टल को कितना भी तोड़ लो भाई वो नहीं टूटता। हमें दिखाया गया था कि सीजन 4 के आई थिंक पार्ट 3 में हमें दिखाया गया था या पार्ट 2 में दिखाया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा यार। उसमें जो है एनी का क्रिस्टल खुद टूट गया था और वो बाहर आई। नेक्स्ट आते हैं 6th टाइटन पे जो कि है आर्मर टाइटन। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका आर्मर काफ़ी तगड़ा है। जी हाँ, इसकी बॉडी एक तगड़े आर्मर से कवर रहती है और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि एरन ने उसका आर्मर तोड़ दिया था, लेकिन इसे नॉर्मल मिसाइल से कुछ नहीं होता, जैसे कि क्या नाम है उनका, जैसे कुछ ट्रॉप्स ने
जो है उसके आर्मर को, उसके आर्मर पे मिसाइल छोड़ी थी, गेयर छोड़ा था एक स्पेयर, बट उसके हार्मर पे इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ा था, बट फिर भी उसका आर्मर थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसका आर्मर फिर भी काफ़ी यूजफुल है। तो इसके नाम से हमें पता चला है कि इसके पास आर्मर है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी ये सबको पता है। साथ ही साथ इसके पास हार्डनिंग की भी एबिलिटी है, ये क्लाइंब भी कर सकता है वॉल्स को अपनी हार्डनिंग एबिलिटी की हेल्प से, बट ये तेज नहीं भाग सकता। इसकी स्पीड तो है सही, ठीक ठाक है, बट बाकी टाइटन्स के मुकाबले ये तेज नहीं भाग पाता, क्योंकि इसका आर्मर काफी हैवी है इस चक्कर में। नेक्स्ट आते हैं, है ना, तो इसकी मेन एबिलिटी इसका आर्मर ही है, और इसका इनहेरिटर, इसका ओनर अपना राइनर है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स हो चुका, फिफ्थ टाइटन के ऊपर, जो कि है, एक मिनट, ओके गाइस, फिफ्थ टाइटन की बात की जाए तो फिफ्थ टाइटन है अपना बीस्ट टाइटन, जिसका इनहेरिटर है जीक। बीस्ट टाइटन बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक बीस्ट है, सही, ये गोरिल्ला टाइप है, जैसे कि आप द कॉन्ग देखा है, बस कॉन्ग का छोटा वर्जन मान के चलो इसे। इसके पास भाई, इसके हाथ बहुत लंबे चौड़े हैं, इसके हाथ पैर काफ़ी लंबे चौड़े हैं, इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, और यहाँ तक कि ये वॉल्स को भी क्लाइम कर सकता है, और इसकी मेन एबिलिटी है दूर तक थ्रो करना, यानी कि ये एक पत्थर को उठा के बहुत दूर तक फेंक सकता है, या किसी भी चीज़ को उठा के, और इसका निशाना बहुत एक्यूरेट होता है, यहाँ तक कि साथ ही साथ इसके पास जो है जीक बेसिकली जो है रॉयल फैमिली से, इस वजह से उसके पास फाउंडर टाइटन की भी थोड़ी पावर है। ये जब चिल्लाता है, जब ये एक गैस फैलाता है, और जब ये चिल्लाता है, मतलब एक टाइप की गैस ये फैलाता है सबसे पहले, और जब ये चिल्लाता है तो जो भी उस गैस की चपेट में इंसान आता है वो टाइटन बन जाता है, और ये हमने बहुत बार अटैक ऑन टाइटन में देखा है। इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी खास, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी खास नहीं है, बिकॉज जब लिवाई ने इसके फर वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब फर वगैरह को काट दिया था अपने स्पेयर से, तलवार से, फिर भी इसके जो फर हैं उन्हें काटना थोड़ा मुश्किल होता है। लिवाई को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बट काट दिया था, है ना। हालांकि लिवाई भाई साहब के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता, वो खुद ही काट देगा, खुद ही, मतलब उसने काट दिया सब कुछ, बेचारेगा हाथ पैर सब निपटा दिया। नेक्स्ट, तो इसकी मेन एबिलिटी की अगर मैं बताऊं तो इसके पास थोड़ी हार्डनिंग की भी एबिलिटी है, ये हमने देखा था जब लिवाई से उसकी लड़ाई हुई थी, इसके पास हार्डनिंग की भी एबिलिटी है। तो अब आते हैं बीस्ट टाइटन को थोड़ा साइड में रख के फोर्थ टाइटन की बात करते हैं, जो कि है वॉरहैमर टाइटन। वॉरहैमर टाइटन का तो भाई हर कोई इंतज़ार कर ही रहा था, इसे सीजन फोर में इंट्रोड्यूस कराया गया, और भाई सीरियसली इसकी एंट्री बहुत एपिक थी भाई। वॉरहैमर टाइटन की ना भाई, वॉरहैमर के नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा कि इसका मेन वेपन हैमर है। जी हाँ, ये वैसे तो अपनी हार्डनिंग एबिलिटी की हेल्प से कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है जो वो चाहे, स्वॉर्ड हो गई, धनुष हो गया, पता नहीं, जो वो चाहे, लेकिन इसका मेन हैमर, इसका मेन वेपन इसका हैमर ही होता है। नेक्स्ट, इसके पास हार्डनिंग की एबिलिटी है वो मैंने आपको बताया। स्पीड, ये बोल भी सकती है, जी हाँ ये बोल भी सकती है, अपना जीक जो बीस्ट टाइटन है वो भी बोल सकता है, बट वो भी बोल सकती है, क्या नाम है उसका, वॉरहैमर टाइटन भी बोल सकती है। वॉरहैमर टाइटन की स्पीड के बारे में तो हमें नहीं बताया गया, बट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। जब ये ट्रांसफॉर्म हो रही थी तब ही अटैक टाइटन ने इसके ऊपर एक पंच मार दिया था, बट भाई फिर भी इस ये टाइटन के पास एक और एबिलिटी है कि ये अपने ओनर को, इसका ओनर जो है कहीं और से भी इसे कंट्रोल कर सकता है। ये हमने देखा है जब वॉरहैमर टाइटन की ओनर ने कहीं और से भी उसे कंट्रोल किया था, ठीक है, वो एक क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है और एक वायर के थ्रू वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वॉरहैमर टाइटन की काफ़ी सही चीज़ लगती है, बट अगर वो क्रिस्टल किसी के हाथ में पड़ गया, जैसे अटैक टाइटन के हाथ में पड़ गया था, तो भाई वो ख़त्म ही हो गई थी। जॉ टाइटन की हेल्प से अटैक टाइटन ने उस क्रिस्टल को ख़त्म कर दिया था, ठीक है, ये इसकी एक वीकनेस है, वरना तो भाई वॉरहैमर टाइटन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइटन पे, जो कि है अपना कलोसल टाइटन। कलोसल टाइटन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसका साइज बाकी नाइन टाइटन शिफ्टर्स हैं उसमें ये सेकंड आता है साइज के मामले में, फर्स्ट अभी बताऊंगा कौन आता है, ठीक है। कलोसल टाइटन का साइज काफ़ी बड़ा है, और बाकी सारे टाइटन जो है ना वो तो बच्चे लगते हैं इसके सामने। फाउंडेड टाइटन कुछ होंगे भाई, वो बच्चे लगते हैं इसके सामने,
यहाँ तक कि कलोसल टाइटन की एबिलिटीज़ के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बताऊँ। सबसे पहले इसकी एबिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसके पास एक डिस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, जो इसने सीजन 3 में भी की थी। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो भाई आसपास की सारी चीज़ें इसके डिस्ट्रक्शन से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इसकी सेकंड एबिलिटी है कि ये जब कोई इसके पास आता है और इसके मारने आता है, जैसे कि इसके इनहेरिटर को जो है इसे मारने आता है इसके इनहेरिटर को, तो ये अपने बॉडी से गैस छोड़ता है, जिसकी कॉन्टैक्ट में जो भी आता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये भी एक इसकी यूज़फुल एबिलिटी है। और कोई भी इस चक्कर में इसके ओनर के पास पहुँच ही नहीं पाता। नेक्स्ट आते हैं, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इस चक्कर में इसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा कम है, रोड राइस से तो थोड़ा तेज है ये, बट तब भी बहुत कम है। ठीक है, फिर भी ये टाइटन काफ़ी अच्छा है, ये टाइटन काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट आते हैं अपने अब किसके बारे में बात किया जाए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइटन, जो कि है अपना अटैक टाइटन। अटैक टाइटन बेसिकली भाई साहब क्या बताऊँ, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसका अटैक बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, इसका अटैक बहुत स्ट्रांग है। ये अपने अटैक की हेल्प से किसी को भी डिफीट कर सकता है। इसके अब इसकी एबिलिटीज़ में पहला अटैक आता है कि इसके पास अटैक है, और इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, ना हार्डनिंग ना कुछ, सिर्फ अटैक। ये सबसे बेकार चीज़ है यार इस टाइटन से। लेकिन एरन की वजह से इसके पास काफ़ी सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे ये फाउंडर टाइटन की भी थोड़ी बहुत एबिलिटी यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ इसके पास अटैक की पावर बताई थी, इसका डिफेंस भी ठीक ठाक है, क्योंकि यार ये अटैक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। इस चक्कर में इसका डिफेंस थोड़ा खुला होता है। इस चक्कर में जो है कोई भी अगर इसे एक पंच मारेगा तो ये ढेर हो जाता है। ठीक है, फिर भी इसका डिफेंस देखा जाए तो कुछ मामलों में काफ़ी सही है। इसके पास रीजनरेटिव फैक्टर भी है, ये अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है, बट थोड़ा टाइम लगता है यार उसे करने में। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए और क्या बात कर सकते हैं हम, हाँ नेक्स्ट बात की जाए तो इसके पास हार्डनिंग की भी एबिलिटी है एरन की वजह से। ये हार्डनिंग भी अपने हिसाब से जो है हार्डनिंग की एबिलिटी यूज़ कर सकता है। अब बात की जाए तो अटैक टाइटन के बारे में क्या बताऊँ भाई, इसने वॉर हैमर टाइटन, जॉ टाइटन, यहाँ तक कि कलोसल टाइटन का भी पैर इसने रोक दिया था, तो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो तुम्हें क्या ही बताना। इसने आर्मर टाइटन का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर तोड़ दिया था, तो अब क्या ही बता सकता हूँ। ठीक है, फिर भी अटैक टाइटन एक काफ़ी पावरफुल टाइटन है और इसे सेकंड पोजीशन पे रखना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ का तो बात ही मत करो यार इसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आते हैं नंबर वन फाउंडर टाइटन के बारे में तो तुम्हें बताने की ही नहीं ज़रूरत है, क्योंकि फाउंडर टाइटन के पास बहुत सारी एबिलिटी है। फाउंडर टाइटन के काफ़ी सारे इनहेरिटर्स रह चुके हैं जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, कुछ थे जो ऐसे ही थे, बट कुछ जो थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि अपना एरन का फादर, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, बट उसने फाउंडिंग टाइटन को हरा के उसकी फाउंडिंग टाइटन छीन लिया था। फाउंडिंग टाइटन के इनहेरिटर को हरा के उससे फाउंडिंग टाइटन की पावर छीन ली थी, उससे वो पावर आई एरन के पास। फाउंडिंग टाइटन के पास टाइटन कंट्रोल की पावर है, वो किसी को भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसका साइज़ का मैं कुछ तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि यमीर का टाइटन अलग था, ठीक है, एरन का टाइटन जो अभी हमें दिखाया गया वो अलग था। ठीक है, ये बहुत सारे कलोसस टाइटन की आर्मी है इसके पास। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइटन कंट्रोल कर सकता है और ये थोड़ी बहुत मेमोरी भी बैनिश कर सकता है। ठीक, फिर भी फाउंडर टाइटन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है। अब बात की जाए, एक टाइटन और है रोड राइस, वो बेसिकली टाइटन शिफ्टर्स में नहीं आता, बट हमें वो अटैक ऑन टाइटन में दिखाया गया, और वो रोड राइस का इनहेरिटर क्या है, हिस्टोरिया का फादर था रोड राइस का इनहेरिटर। रोड राइस का साइज़ जो है अपना कलोसल टाइटन से भी बड़ा है, और वो जो है
और वो जो है ज़मीन पे रेंगता है, चलता नहीं है, वो ज़मीन पे रेंगता है। और एबिलिटी तो ऐसी कुछ नहीं दिखाई दी उसकी, ऐसी कुछ एबिलिटीज तो हमें नहीं बताई गई, बट उसका साइज बड़ा है, इस चक्कर में उसे हराना थोड़ा टफ है, ठीक है। बाकी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, कलोसर टाइटन की तरह। बाकी और इसकी एबिलिटीज़ के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो ये थी गाइस नाइन टाइटन शिफ्टर्स की स्टोरी, मतलब नाइन टाइटन शिफ्टर्स के बारे में, वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन शिफ्टर के बारे में मैंने तुम्हें बताया। तो यही थी आज की वाली वीडियो, आई होप तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर तुम चाहते हो कि हर टाइटन के ऊपर मैं उसकी ओरिजिन स्टोरी बनाऊँ तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो बाय बाय, हैप्पी गोवर्धन पूजा, टेक केयर, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।